कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने इसकी भर्त्सना की है, कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा जो होता है, चाहे वो विधायक है चाहे वह मंत्री है, जब वो ऐसी पोस्ट पे बैठता है तो ये शोभा नहीं देता कि वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करें। तो वन मंत्री जी ने अपने ही पार्टी के सांसद स्वर्गीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, जो कि दो बार के सांसद थे, उनके बारे में गलत टिप्पणी दे दी। अगर कांग्रेस पार्टी ने, उनका परिवार ये चाहता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उसके तथ्य को वो जानना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में उस प्रश्न को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उस पर वॉकआउट किया, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर उनका परिवार चाहता है, हिमाचल के लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं कि एक सांसद की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि वो संदिग्ध परिस्थिति में उनकी जो है वो बॉडी मिली है, उसका पता नहीं लगा कि वो नेचुरल डेथ है या कि हत्या की गई है, तो तथ्यों को अगर उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने से सरकार अगर उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी अगर उसमें वॉकआउट करती है, जो कि एक परंपरा के मुताबिक अपने दबाव का जो विधानसभा में एक हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी उसमें कोई भी विपक्षी पार्टी हो वो वॉकआउट कर सकती है, अगर वॉकआउट किया और कांग्रेस ने जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप तथ्यों को उजागर करिए, इंक्वायरी करवाइए कि इनकी जो है मृत्यु कैसे हुई है, इनका परिवार चाहता है, तो उसके ऊपर वन मंत्री ने जो है सार्वजनिक रूप पे ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जो कि निंदनीय है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी किया कि आप अपने मंत्रियों के ऊपर, आप अपने विधायकों के ऊपर अंकुश लगाइए, आए दिन कोई ना कोई विधायक कोई मंत्री पब्लिक प्लेस पे जाके जो है वो ऑपोजिशन के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में बयानबाजी करते हैं, यहाँ तक कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जैसे रामस्वरूप जी स्वर्गवास हो चुका है उनके ऊपर, सत महाजन जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके ऊपर आए दिन वन मंत्री जो है वो टिप्पणियां देते रहते हैं, तो ये अशोभनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।